झारखंड में राज्य की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को तगड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चंपई सोरेन अगले एक दो दिन में दिल्ली में बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात के बाद दिल्ली में ही बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा ने क्या कहा, सुनिए। सोरेन जी ने ही झारखंड को जेएमएम का 5 साल का जो कार्यकाल हुआ वही जो 6 महीना था, जो 6 महीना में थोड़ा सा काम हुआ, मैया जुजाना किसने अनाउंस किया, संफाई सोरेन ने अनाउंस किया, लेकिन आज उनका फोटो कहीं भी नहीं। तो इसीलिए मेरा सम्मान संफाई जी का साथ है, लेकिन पॉलिटिकल बात हमको करना नहीं है, तो इसीलिए उससे हम बाहर हैं। बीजेपी में शामिल हो मेरे से कोई बात नहीं है। और मेरा लगता है कि इतना बड़ा प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों का साथ जो झारखंड का मुख्यमंत्री रहा, उनका बारे में हल्का से हमें बात करना भी ठीक नहीं है। हेमंता विश्व शर्मा ने चंपई सोरेन का कार्यकाल सबसे अच्छा बताया है और साथ ही कहा कि उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से ही चंपई सोरेन नाराज चल रहे हैं। चंपई सोरेन को उस वक्त राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था जब जमीन घोटाला मामले में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था। करीब 5 महीने जेल में रहने के बाद 28 जून को हेमंत सोरेन रिहा हुए। इसके बाद उन्होंने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाते हुए राज्य की कमान अपने हाथ में ले ली। इसके बाद से चंपई सोरेन नाराज बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि चंपई सोरेन 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और राज्य के 7वें सीएम के रूप में काम किया। चंपई सोरेन की गिनती जेएमएम के सीनियर नेताओं में होती है। 2005 से वो लगातार 7 बार के विधायक हैं। 2005 से वो लगातार सरायकेला विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 1991 में पहली बार सरायकेला सीट से विधायक बने थे। हेमंत सोरेन ने 2019 में चंपई सोरेन को कैबिनेट मंत्री भी बनाया था। उन्हें परिवहन, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण का जिम्मा दिया गया था। झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव ऐलान से पहले ही राजनीतिक दल सियासी मोड में नजर आ रहे हैं। राज्य में विधानसभा की कुल 82 सीटें हैं, इनमें से एक मनोनीत है, यानी 81 सीटों पर वोट पड़ते हैं। मौजूदा विधानसभा में 27 विधायकों के साथ जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी है, जो कि विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। राज्य में जेएमएम कांग्रेस, भाकपा माले और आरजेडी के साथ गठबंधन में सत्ता पर काबिज है। कांग्रेस के पास 18, भाकपा माले और आरजेडी के पास एक एक विधायक है। वहीं केंद्र की सत्ताधारी दल बीजेपी झारखंड में विपक्ष की भूमिका में है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 24 सीटें मिली थी। अन्य विपक्षी दलों में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन को 3, राकपा को 1 और 2 निर्दलीय विधायक शामिल हैं, जबकि 4 सीटें किसी वजह से खाली है।